जैसे ये 529 नंबर है, इसके टैग नंबर हमने, इसका बेल्ट नंबर है 529, ये लग रहा है, आप देख सकते हैं 529 बेल्ट नंबर लग रहा है। तो इसको अभी, ये सितंबर के अंदर क्रॉस हुई थी और अभी लग भी रही है कि हाँ गैबिन है, पर ये सभी जो गायें हैं ये अभी इनको टाइम लगेगा आने में, और दो क्योंकि इनके दो दो ढाई ढाई महीने हुए हैं, जो भी मुझे कंफर्म नहीं, अब चेक करवाना है इनको। और डेयरी फार्म में ये समस्या हमेशा आती है, हर भाई की आती है, डेयरी फार्म अगर आप चला रहे हो तो ये समस्या जीवन में एक बार आपके आपके ज़रूर आएगी, तो इससे नर्वस नहीं होना है आपको, क्योंकि मेरे फार्म पे अभी तीन ही गायें दूध दे रही और भाइयों का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा, तो ज़रूर हम करेंगे। या तो हमारे, अब मैं आपको बताता हूँ जगह, जो ये फार्म में ये जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे तीन चदर लगाने और तीन भैंसे लेकर आनी है। तीन भैंसे कुछ भी हो जाए, इस महीने के अंदर अंदर मुझे तीन भैंसे लेकर आनी है, भाइयों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर लेकर आएंगे। इसमें क्या है कि ये और ये दोनों जगह पाइप लग जाएगा और बीच में पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ट्रैक्टर भी थोड़ा छांव में चला जाएगा और यहाँ पे तीन भैंसों का हम खल वगैरह बना देंगे। भले सीमेंट के चादर लगाएं, भले हम किसी के भी चादर लगाएं, पर यहाँ पे हम अब फार्म के लिए यहाँ पे हम सेटअप करेंगे भैंसों के लिए। जो एक वो भैंस बंधी हुई है वो भी यहाँ पे आ जाएगी और तीनों भैंसें यहाँ पे बन जाएगी, और हमें इस महीने फार्म पे भैंसें लानी है, तो भाइयों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट बना रहेगा तो हम ज़रूर लेके आएंगे। और क्योंकि दिक्कत यही है कि गायें सारी रिपीट है, अभी एक गाय ये दूध दे रही है और दो, एक वो वाइट और एक वो एफन वो दूध दे रही है, बाकी सारी गायें बंधी हुई है और कोई भी दूध नहीं दे रही है, अभी सारी गायें गैबिन है और बहुत बड़ी समस्या है ये फार्म में, ये समस्या ज़रूर आएगी। और ऐसा मैंने कई बार देखा है जहाँ पे रिपीट हुई फिर उन लोगों ने फार्म ही बंद कर दी, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, फार्म बंद होने वाला नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ है और मेरे भाइयों का मेरे साथ सपोर्ट है, तब तक चलता रहेगा फार्म। तो अब यही करना है कि भैंसे लेकर आनी है, मैं जाफराबादी नस्ल की सोच रहा हूँ, आप भी मुझे सजेस्ट करें कि मैं कौन से नस्ल की भैंस लेके आऊँ। फुहारे अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मी के अंदर हम फुहारे भी स्टार्ट कर देंगे और फुहारे ज़रूर चलाएंगे, तो भाइयों का सपोर्ट बना रहे, क्योंकि सभी भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी फ़ोन अटेंड करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने काफ़ी कॉल अटेंड भी किए हैं, जैसे ये मैंने, ये विशेषकर अपने YouTube चैनल वालों के लिए फ़ोन रख रखा है, मैं सभी के फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ। जैसे ये आज के मैंने फ़ोन अटेंड किए हैं, ये सारे नंबर भाइयों के हैं जो मैंने अटेंड किए हैं, और आप बात की नंबर निकल जाते हैं, तो आप फ़ोन करते रहिए, मैं उठाऊँगा और मेरे से जितनी होगी मैं आपके लिए हेल्प करूँगा गायें दिलाने में, हर चीज़ में हो तो। जय शंकर की। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।